कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चली गोली। दरअसल आपको बता दें कि झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एसओजी टीम की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सातेर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। साथ ही दो मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एसओजी और रक्सा पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग बाजना रोड पर बाइक से आ रहे हैं, जिन्हें एसओजी और रक्सा पुलिस ने घेराबंदी की। वहीं दो संदिग्धों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, तभी पुलिस टीम ने उनका पीछा करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधी पर पहले से ही कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना अध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन बदमाश दतिया से भितरवार करहरा होते हुए जाने वाले हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रक्षा की टीम तथा स्वाट टीम प्रभारी तथा चौकी इंचार्ज ढोंगरी की टीम के द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई थी। तीन बदमाश बिना नंबर की गाड़ी से आते हुए जब दिखाई दिए, इनको रोका गया। ये रुके नहीं, बल्कि बाजना रोड पे अपनी गाड़ी बढ़ा दी। इधर से ढोंगरी चौकी इंचार्ज ने जब इनको घेरा और दूसरी तरफ से स्वाट टीम और थानाध्यक्ष रक्षा की टीम ने घेरा, अपने को घिरता हुआ देख करके एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम एम्मू उर्फ इमरान, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है तथा इस पे करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें डकैती, लूट और एक्सटार्शन के भी मुकदमे दर्ज हैं। बाकी इसके दो साथी भागने में फरार हुए हैं और इन्होंने ये बताया कि ये डबरा में किसी सुनार की दुकान में जल्दी ही लूट करने वाले थे, जिससे इनको उम्मीद थी कि करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी इनको मिली थी। इसीलिए इनके साथियों ने अभी कुछ दिन पहले ही इनको जेल से जमानत कराई थी कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हाँ बिल्कुल, जो दो साथी इनके भागे हुए, इनकी हम लोगों ने काम्बिंग की है यहाँ, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आए हैं। इनको भी यथाशीघ्र हम लोग पकड़ेंगे। इस दौरान क्या पुलिस भी बची, बाल-बाल बच गई क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी पर भी फायर किया गया, जिसमें गाड़ी का शीशा भी इसमें टूटा है।